आज हम मनाने वाले हैं ट्रक के नीचे वाले बोनट को। आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में यहाँ पे जो जाली लगी हुई है, इस जाली को आज हम मनाएंगे और इसके दोनों साइड डोर्स को आज हम मनाने वाले हैं। तो जैसे कि गाइस ये वीडियो का पार्ट टू है, अगर आपने इसका पार्ट वन वीडियो नहीं देखा इस कैबिन का तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे कि इसके जो साइड डोर है बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो आज हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो जैसे गाइस अगर आपको बनाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो के नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल लाल सा, उसे दबा लेना और बगल में बेल आइकन भी होगा, इससे क्या होगा मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। तो जैसे गाइस आपने मेरे पार्ट वन वीडियो में देखा होगा हमने इस ट्रक के केबिन को बनाया था, तो आज हम क्या करने वाले हैं इसके दोनों साइड डोर की कटिंग करेंगे और इसका बोनट को बनाएंगे। तो जैसे गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट बनाया हुआ आपको दिख रहा होगा पेंसिल से, यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग करी हुई है डोर की। तो गाइस आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इसी तरीके का डिजाइन बनाना। तो जैसे गाइस आपको अभी दिख रहा होगा मैंने मोटर में ग्लेंडर का ब्लेड लगाया हुआ जो कि घिसा हुआ ब्लेड होता है, तो इसी की हेल्प से हम कटिंग कर लेते हैं। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने डोर को कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तो जो फ्रेंड्स अभी क्या करेंगे इसको हम हल्का हल्का सैंड पेपर से रफ कर देंगे, इससे क्या होगा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा चिकना सा हो जाएगा, तो जिसका खुरदुरापन है वो हट जाएगा। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा मैंने सभी तरफ से सैंड पेपर से रफ कर दिया कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि गाइस इसके जो दोनों डोर है हमने एकदम बराबर तरीके से कटिंग की है और दोनों तरफ हमें सैंड पेपर से रफ कर देना है, इससे हल्का सा स्मूथ हो जाएगा। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे डोर को हम बाद में लगाएंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे जो व्हील का जो मरघाट होता है पहले हम उसको बनाएंगे, तो बाद में इसकी डोर की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का पीस को कुछ इस तरीके से कटिंग किया हुआ जो कि हमने बहुत ही पतला पीस लिया है। तो गाइस आपको ज़्यादा मोटा नहीं लेना, पतला लेना है। तो जैसे फ्रेंड्स वो हॉकी होता है कुछ इस तरीके का है, तो अभी हमने इसके किनारे में कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, हल्का सा कट मारना है, इससे क्या होगा गाइस इसे थोड़ा मोड़ने में आसानी होगी। तो अभी हम इसे हल्का हल्का गर्म करेंगे, जो इसकी किनारियाँ हैं गाइस उसको आपको गर्म करना है, इसे पूरा गर्म नहीं करना है नहीं बाद में आपका ये पूरा मतलब पिघल जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, हमको हल्का हल्का किनारियाँ गर्म करनी है और इसे हल्का हल्का फोल्ड करते जाना है कुछ इस तरीके से, आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स हमें उंगली की सहायता से कुछ इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करना है, मतलब इसे झुकाना है और नीचे की साइड से एकदम सीधा रखना है। तो देखिए आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें बनाना है। तो पूरे में फ्रेंड्स हमें इसी तरीके का शेप दे दिया, आपको भी दिख रहा होगा जो फ्रेंड्स ऊपर से हल्का से झुका हुआ और नीचे की साइड से एकदम सीधा गया है, तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से है अभी। तो जैसे कि इस मरघाट को भी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो बील है इसको ऊपर की साइड में कुछ इस तरीके से इसका सेटअप करेंगे, तो इसे हम फेविक्विक की हेल्प से सिंपल तरीके से चिपका देते हैं। तो जैसे गाइस मैं आपको बता दूं फेविक्विक से डायरेक्टली नहीं चिपकेगा इतना बढ़िया तरीके से। तो अभी हम क्या करना होगा जो प्लास्टिक का घिसा हुआ बुरादा होता है उसको गाइस इसके अंदर हमें डालना होगा, जो इसके थोड़े थोड़े ये होल होते हैं ये भर जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा जो प्लास्टिक का बुरादा है इसमें हम डाल लेंगे, उसके ऊपर फेविक्विक लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, इसे हम सैंड पेपर से बिल्कुल स्मूथ करना गाइस आपको, इसको आपको खुरदुरा नहीं रखना है, बाद में जब हम पेंट करेंगे तो अपने लेवल में आ जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा मैंने इसे एकदम चिकना कर दिया है। तो अभी हम फ्रेंड्स हम इस ट्रक का बोनट बनाने वाले हैं जो आगे वाला होता है, जिसमें हम जाली वाली लगाएंगे, तो जिसमें फ्रेंड्स इंजन का पंखा लगा होता है वो बनाएंगे। तो आपको भी दिख रहा होगा इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पीस कट किया हुआ है, नीचे की साइड से थोड़ा पतला है ऊपर से थोड़ा मोटा है, तो जो इसकी किनारियाँ हैं इनको थोड़ा भी गोल शेप दे देंगे हम, जो इसकी चारों किनारियाँ हैं। तो हम यहाँ पे सैंड पेपर से घुमा घुमा के कुछ इस तरीके से रफ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से अभी हमारे गोल हो चुका है साइड साइड से, अभी दिख रहा होगा आपको हल्का गोल शेप आ गया, इससे क्या होगा इसकी किनारी थोड़ी देखने में अच्छी लगेंगी। तो अभी ऊपर की साइड में एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है और बीच में फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसका लोगो बनाना होता है ट्रक। तो जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर टाटा का लोगो बना लिया कुछ इस तरीके से। तो गाइस आप अपने मोबाइल फोन में देख के बना लेना कि टाटा का लोगो कैसा होता है। तो अभी मैं यहाँ पे साइड में मार्क लगा लेता हूँ पेंसिल से कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि इसके जो किनारियों को मैंने यहाँ पर मार्क लगाया हुआ है, इन्हें मार्क की हेल्प से यहाँ पर अभी इसकी कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर कटिंग करने के लिए मैं मोटर का यूज़ कर रहा हूँ और जिसमें मैंने प्लास्टिक का एक छोटा सा पीस लगाया हुआ है, तो गाइस हम इसे प्लास्टिक से कटिंग करने वाले हैं। तो जैसे गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। फ्रेंड्स अगर चैनल नए हो तो वीडियो के नीचे आपको जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे गाइस दबा लेना और बगल में बेल आइकन भी होगा उसे भी दबाना ना भूलें, इससे क्या होगा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे कि गाइस कुछ इस तरीके से हमारे जो बोनट है इसकी कटिंग हो चुकी है अभी। तो जैसे कि अभी हमें अंदर की साइड में थोड़ा स्लाइडिंग सा बनाना होगा, तो हम इसे मोटर की हेल्प से कुछ इस तरीके से थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स हमें थोड़ा अंदर की साइड में झुका हुआ सा बना लेना है कुछ इस तरीके से, तो आपको अभी दिख रहा होगा। तो इसके जो सभी किनारे हैं इन सभी किनारे को हमें कुछ इस तरीके से कर लेना, जो इसका लोगो है इसको भी हम अभी सेट कर लेते हैं। हे गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने इसे कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लिया है, तो इसकी जो सभी किनारियाँ थी मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रफ कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ आपको दिख रही होगी इस तरीके की पतली सी प्लास्टिक का मैंने पीस कट किया हुआ, तो इसको भी हल्का हल्का सा हम गोल शेप दे देंगे। तो मतलब इसकी जो किनारियाँ हैं इनको भी थोड़ा
गोलाई में कर लेंगे, तो हमें मतलब चौड़ा नहीं रखना, हल्का हल्का गोल कर लेना है। तो इसको भी हम फेविक्विक से कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। तो सेम इस तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी वाले पीस को भी यहाँ पर चिपका लेना है नीचे की साइड में, जिसमें सिर्फ हल्का सा गैप रखना है। तो सभी तरफ आपको ध्यान रखना बराबर गैप होना चाहिए, कहीं पर भी ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं से देखने में थोड़ा बेकार लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी क्या करना है, इसकी हम जाली बनाएंगे। तो जाली बनाने के लिए जो हमारा आटा छानने वाली छलनी होती है, आपने देखा होगा जिससे हम आटा छानते हैं, ये वही छलनी फ्रेंड्स। तो आपको उसका निकाल लेना है। तो अभी क्या करना, हमें इस तरीके से इसमें रखेंगे, जो उसका नाप है उसी नाप के हिसाब से इसकी हम अभी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि पेंसिल से आप मार्क लगा लेता हूँ, इसे हम सीजर की हेल्प से कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेता हूँ अभी। तो अभी क्या करना है, इसके पीछे की साइड से हमें लगाना है, इसे आगे की साइड से नहीं लगाना है, नहीं देखने में थोड़ा बेकार लगेगा। अगर हम इसके पीछे की साइड से लगाएंगे तो हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ने वाला और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फेविक्विक से मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका लेता हूँ अभी, तो एकदम बड़े तरीके से चिपका लेना हमें। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसकी जाली कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, बाद में जब हम इस पर पेंटिंग करेंगे तो बहुत ही मस्त लगेगा। तो देखिए गाइस एकदम असली लग रहा है। तो गाइस इसका लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा लगा उसे प्लीज़, इसके लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो अभी क्या करना है, इसको हम यहाँ पे इसकी सेटअप करना होगा इसके बोनट में कुछ इस तरीके से। तो सेटअप करने के पहले यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं बीच के साइड में। सो गाइस इसकी हमने कटिंग क्यों करी है, जो गाइस इसके आने वाली वीडियो होंगी उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो बाद में इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पंखा लगाएंगे और भी इसमें बहुत कुछ करने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे इसके जाली में लाइट भी लगाएंगे। तो जैसे कि इसका सेटअप कुछ इस तरीके से हो गया, जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है अभी। तो चलिए फिर अभी हम इसके डोर का सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का एक स्प्रिंग है, ये फ्रेंड्स जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है बैटरी चार्ज करने वाला, जिसे कुत्ता चार्जर भी बोलते हैं, तो ये फ्रेंड उसी का ही है। तो अभी क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे बोनट में कुछ इस तरीके से लगा लिया है, तो आपको दिख रहा होगा अभी। तो अब जो हमारे डोर है, इस डोर को भी यहाँ पे नट बोल्ट की हेल्प से सिंपल तरीके से कस लेता। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नट बोल्ट है, इससे मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से कस लेता हूँ। तो गाइज हमारा जो डोर है ये बहुत ही एकदम बेकार बना हुआ अभी आपको दिख रहा है, तो एकदम झूले की तरह लग रहा है, झूल गया है, तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे भी जा रहा है। तो इसका भी हम सेटअप कर लेते हैं सही तरीके से। सो गाइस इसका यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, इस पिन का जो हमने यहाँ पे कुत्ता चार्जर की हमने ये लगाई हुई थी स्प्रिंग, इसका यूज़ नहीं करने वाले। तो मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ बनाया हुआ भी आपको दिखाता हूँ गाइस, आपको पक्का पसंद आएगा। तो जैसे कि गाइस हमारे साइकिल का जो ट्यूब होता है अंदर वाला, उसको हमने क्या किया, एक साइड को फ्रेंड्स हमने डोर में लगा दिया और आधी साइड को कटिंग करके हमने इस बोनट में चिपका दिया। सो गाइस इससे बहुत ही डोर एकदम मस्त बना हुआ है। तो जैसे हम इसे खोलते हैं अपने आप ये ब्लॉक हो जाता है कुछ तरीके से। सो गाइस आपको ये जुगाड़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होता है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक पीस लगा दिया, इससे क्या होगा हमारा डोर है जो अंदर की साइड में नहीं आएगा, बीच में ही रुक जाएगा। सो फाइनली हमारे ये बनके एकदम रेडी है। इसका जो डोर है कितने बड़े तरीके से अभी ये मूव कर रहा है अंदर की साइड में और बाहर की साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस डोर से रिलेटेड अगर आपका कोई से भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये बहुत ही मस्त बना हुआ अभी। तो जैसे इसका दूसरे साइड वाला ये डोर है, ये भी एकदम बड़े तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसे कि फ्रेंड्स इसका जो नीचे की साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग निकली हुई है अभी, तो जो फ्रेंड्स बहुत ही मस्त तरीके का ये डोर लगता है देखने में। तो और नीचे की साइड में फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे बोनट हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने जाली लगाई हुई है। बाद में फ्रेंड्स इस जाली हमने यहाँ पे क्यों लगाई है आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो भाई इसमें हम बहुत ही कुछ करने वाले हैं। तो जैसे फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बनाने का तरीका अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और गाइस अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो नीचे आपको जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा लेना, और बगल में बेल आइकन भी होगा उसे दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, इसकी जो अगली आने वाली वीडियो होगी तो इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर इसका वीडियो देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, वंदे मातरम।